नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने नई वीडियो में। आज लेकर आए आपके लिए दोस्तों सेक्टर 19 की लोकेशन पे थर्ड फ्लोर का फ्लैट होने वाला है, फोर बेडरूम का फ्लैट, न्यूली फर्निश्ड फ्लैट होने वाला है। मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पे आया हुआ है, बहुत अच्छे काम के साथ फ्लैट आया हुआ है, बहुत अच्छी लोकेशन के साथ फ्लैट आया हुआ है। सेक्टर 19 में अरविंद अपार्टमेंट में फ्लैट है, फोर बेडरूम का फ्लैट, थर्ड फ्लोर का फ्लैट होने वाला है दोस्तों। बहुत अच्छी लोकेशन है पर्टिकुलर फ्लैट का, सोसाइटी का बहुत अच्छा लोकेशन है, सोसाइटी बहुत मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन सोसाइटी मिलने वाली है आपको, इस तरीके का कुछ काम मिलने वाला है। तो चलिए आइए गो थ्रू करते हैं इस फ्लैट को, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हो जाता है इसका लॉबी स्पेस, कुछ इस तरीके का लॉबी स्पेस मिलता है, दो लिफ्ट केस मिलते हैं आपको, स्टेयर केस मिल जाता है इस तरफ, एक स्टेयर केस मिलता है आपको उस तरफ, सामने इधर पार्क मिल जाता है सोसाइटी का। और यहाँ पर आते हैं तो इस तरीके का मिलता है आपको कुछ वार्डरोब स्पेस ऑल्सो, ये आप अपना स्टोरेज भी बना सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको अपना स्टोरेज बना सकते हैं प्रॉपरली। आपका स्टोरेज एक तरीके से स्टोर एरिया आपका यहाँ पे आपको मिलता है, ऊपर तक ये आपको मिलने वाला है। दो फ्लैट आपके उस तरफ हैं, दो फ्लैट आपके इस तरफ हैं, दैट्स योर फ्लैट जिसका हम आज आपको गो थ्रू कराने आए हैं। ऊपर देखेंगे बहुत खूबसूरत लाइटिंग का काम इसमें आपको मिल जाता है। नाउ वी कम टू द डायरेक्टली कम लिविंग डाइनिंग स्पेस। उससे पहले गेट की बात कर लेते हैं, बहुत ग्रैंड एंट्रेंस मिलता है आपको इसमें, डिजिटल लॉक मिल जाता है आपको विच इज़ वेरी इन नाउ डेज। उसके बाद व्हाइट कलर कलर कंट्रास्ट है पूरे ही फ्लैट में, बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट है। जैसे आप अपने लिविंग स्पेस पे एंटर करेंगे दैट्स योर लिविंग स्पेस, कुछ इस तरीके का साइज आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलने वाला है, कुछ सेपरेशंस मिल जाती हैं फॉर योर प्रोडक्ट्स। ऊपर देखेंगे बहुत अच्छा स्टैंडलर्स का काम किया गया है, फॉल सीलिंग का काम बहुत अच्छा, क्रॉम्पटन कंपनी के आपको इसमें फ़ैन मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इसमें आपको काम मिल जाता है। अगर आप पीछे देखेंगे बैक वॉल पे तो यू विल गेट द वॉल डिजाइनिंग ऑल्सो एंड दैट्स मिरर वर्क ऑल्सो वर्क वेरी गुड ऑल्सो, यू नो लुक वेरी एलिगेंट एंड योर इन योर लिविंग स्पेस। अब आते हैं दोस्तों अपना डाइनिंग स्पेस की तरफ। ये अपना ब्यूटीफुल सा डाइनिंग स्पेस है। अगर मैं इसका एक बार फ्लोर प्लान बता देता हूँ आपको, एक बेडरूम, दो बेडरूम, तीन बेडरूम, चार बेडरूम, चारों बेडरूम के जो जो एंट्रेंस है उसमें काफ़ी गैप है, ऐसा नहीं है साथ साथ में बेडरूम्स हैं। तो यू विल गेट प्राइवेसी ऑल्सो बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पर आपको इसमें आपको प्राइवेसी भी मिलने वाली है। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो जाता है, ऊपर आपका फॉल सीलिंग का काम बहुत ही बेहतरीन सा फॉल सीलिंग का काम मिलता है, सेम क्रॉम्पटन कंपनी का फैन मिलने वाला है। दैट्स योर किचन स्पेस, बहुत अच्छा बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क का वर्क किया गया है, प्रॉपरली मॉडल और स्पेशली फ्रिज का स्पेस भी आपको बाहर नहीं इस किचन के अंदर ही मिलता है। यहाँ पर आ जाता है आपका पेंट्री स्पेस, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, दैट्स योर पेंट्री स्पेस, कलर कंट्रास्ट किचन का बहुत खूबसूरत है, ओवन, दैट्स योर माइक्रोवेव ऑल्सो, एंड यहाँ पर फेवर कंपनी की चिमनी मिल जाती है। होप प्रॉपरली मॉडलर किचन है, कलर कंट्रास्ट देखेंगे बहुत लाइट ब्लू कलर का कलर, स्काई ब्लू से भी जो सटल कलर रहता है ब्लू में, उस ऐसा कलर कंट्रास्ट है विद द वाइट, बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरीके का प्रॉपर मॉडलर किचन मिलने वाला है, वेंटिलेशन मिल जाता है, ड्राई एंड बोथ प्लेटफॉर्म्स में आपको सिंक स्पेस मिलने वाला है, ये आपका हो प्लेटफॉर्म हो जाता है, दैट्स योर मिक्सी एंड जिसको बोलते हैं हम अपना ड्राई प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस तरीके का कुछ काम है, लाइटिंग का काम मिल जाता है, दैट्स योर टाइलिंग का काम बहुत खूबसूरत, ऑन टॉप बहुत ही अच्छा नैनो प्लेथर का काम इसमें आपको मिलने वाला है। किचन स्पेस साइज बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत आपको इसमें काम मिलता है। अब आते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ, तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम एरिया। ब्रो आप लोग देख सकते हैं, लुक एट द साइज, कितना खूबसूरत साइज मिलने वाला है आपको इसमें। और यहाँ पर मिलता है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन, दैट्स योर ड्रेसिंग एरिया, नीचे वेंटिलेशन, नीचे स्टोरेज मिल जाता है, मिरर मिलने वाला है, वुडवर्क बहुत खूबसूरत किया गया है। यहाँ पर मिलता है आपको बहुत ही खूबसूरत सा वार्डरोब स्पेस, इस तरीके का कुछ काम मिलने वाला है आपको, देख सकते हैं बहुत अच्छा काम किया गया है, बहुत ही अच्छा कलर कंट्रास्ट है, सेपरेशन अच्छा है, पियानो फिनिश आपको हैंडल बार मिलने वाला है, ऊपर मिल जाती है इसमें फॉल सीलिंग का काम, नीचे आपको मिलता है वाटर वेल टाइल्स, एसी की फिटिंग्स, सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लैट आपको यहाँ पे मिलता है। ये हो जाता है इसका ह्यूज वॉशरूम स्पेस, जिसमें आप कलर कंट्रास्ट देखेंगे, बहुत खूबसूरत कलर कंट्रास्ट है। यहाँ पर मिलता है आपको सिंक स्पेस आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मिलता है आपको WBC का काम, प्रॉपरली जगुआ कंपनी का फिटिंग्स मिलने वाला है। तो ये हो जाता है आपका वॉशरूम एरिया और फर्स्ट बेडरूम एरिया। बेडरूम साइज ऑलमोस्ट 12x16 के आसपास का साइज आपको यहाँ पर मिलता है। अब आते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, दैट्स योर सेकेंड बेडरूम एरिया। इसको आप चाहें तो अपना गेस्ट बेडरूम एरिया भी बना सकते हैं। इधर आपको मिलता है इसका
वॉशरूम एरिया ऊपर मिलता है फॉल सीलिंग में हम, नीचे 45 टाइल्स मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपको अपना ड्रेसिंग एरिया, दैट्स योर कबर्ड स्पेस एरिया। इस तरीके से काम है, सेपरेशन अच्छा किया गया है और अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। इधर मिलता है आपको वेंटिलेशन प्रॉपरली तरीके से। अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, सेक्टर 19 की अरविंद सोसाइटी, बहुत वेल मेंटेन सोसाइटी होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप आता है कॉमन वॉशरूम एरिया, कुछ इस तरीके का काम मिलने वाला है जो कि आपका इस वाले बेडरूम से भी कनेक्टेड है। दिस वॉशरूम इस तरीके का कुछ काम है, देख सकते हैं इधर प्रॉपरली तरीके से जगुआ फिटिंग का सारा काम, वेंटिलेशन है, लाइटिंग का खूबसूरत काम, टाइलिंग का अच्छा काम, क्रोम वर्क है टाइलिंग पे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब आते हैं अपने इस वाले बेडरूम की तरफ जो आपका थर्ड बेडरूम एरिया होता है। इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा, दिस इज द ओनली बेडरूम इन दिस फ्लैट जिसमें आपको अटैच वॉशरूम नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको वार्डरोब स्पेस आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, सेपरेशन अच्छा किया गया है, डेप्थ काफ़ी अच्छी है, ऊपर फॉल सीलिंग का सामने, नीचे 45 टाइल्स, ऑल द सेम सारा काम, बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी बालकनी स्पेस। आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली रनिंग बालकनी मिलने वाली है, कुछ इस तरीके का स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस, और इस तरीके के काम के साथ ये आता है आपका पार्क, सोसाइटी का पार्क है। इसमें बेसमेंट पार्किंग भी है सोसाइटी में, आपका स्टिल्ट पार्किंग भी है, और साथ ही साथ में आपको इसमें ओपन पार्किंग भी मिलती है। वहाँ पर भी आप देखेंगे एक छोटा सा पार्क मिलने वाला है जो कि कुछ इस तरीके का पार्क है, इसमें आपको आपके चिल्ड्रंस खेलते हुए मिलने वाले हैं। उसके बाद वहाँ पे एक और गेट मिलता है और वहाँ पे एक शेड वाला पार्किंग भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो सोसाइटी ऑल दो बहुत खूबसूरत मिल जाती है, ऊपर देखेंगे आप तो प्रॉपरली लाइटिंग का काम किया गया है जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलती हैं, देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लाइटिंग का काम ऊपर मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात इस वाले फ्लैट की मुझे लगती है इसकी बालकनी, लुक एट द बालकनी, वहाँ से लेके यहाँ तक का इतना बड़ा बालकनी साइज मिलता है आपको जो कि कुछ बहुत खूबसूरत सा आपको व्यू देता है। ये देख सकते हैं ये मिलता है आपको व्यू, यहाँ पे आपको मिलता है अपना टैप एरिया जिसमें आप अपना वेट एरिया भी बना सकते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट बेडरूम एरिया पे, ये जो मैंने आपको बालकनी दिखाई है ये दो बेडरूम से कनेक्ट होती है, एक इस वाले बेडरूम से एक उस वाले बेडरूम से, एक बड़ी बालकनी इसमें मिलती है जो कि कुछ इस तरीके का, ये लास्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके का बेडरूम साइज है 11x13 के आसपास का, दैट्स योर कबर्ड स्पेस, वार्डरोब स्पेस बहुत अच्छा है काम किया, देख सकते हैं बहुत अच्छा काम किया गया, सेपरेशन अच्छा है, रॉड मिल जाते हैं आपको, ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग का बहुत खूबसूरत काम मिलने वाला है, एसी फिटिंग मिलता है प्रॉपर तरीके से, फिटिंग सारी अच्छी की गई है, और जो मैंने आपको कॉमन वॉशरूम दिखाया था अटैच मिलता है, तो इसमें आपको तीन बेडरूम्स में अटैच वॉशरूम मिलने वाले हैं, और जो आपको मैंने बड़ी बालकनी दिखाई थी दैट्स ऑल्सो अटैच विद दिस बेडरूम एरिया। तो ये आ जाती है आपकी सेम बालकनी स्पेस जो कि मैंने आपको उस वाले बेडरूम से दिखाया था, दो बेडरूम से कनेक्ट होती है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कम्प्लीट, बहुत अच्छी सोसाइटी है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे पास एक 10th फ्लोर का फ्लैट भी अवेलेबल है जो कि न्यूली फर्निश्ड है, तो वो भी एक अवेलेबल है हमारे पास फ्लैट, और उसमें 3rd फ्लोर भी है। तो अगर किसी का रिक्वायरमेंट हायर फ्लोर का है तो हम आपको वो भी दिखा सकते हैं, वो भी एक हमारे पास एक ऑप्शन है, 10th फ्लोर का फ्लैट है दोस्तों, वो भी न्यूली फर्निश्ड है, इसी तरीके का कुछ लेआउट मिल जाता है उसमें भी आपको। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कम्प्लीट, सेक्टर 19 की अरविंद अपार्टमेंट है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। अगर मैं आपको सेक्टर 19 का थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार कि अभी सेक्टर 19 में ही हमारे DDA ने अभी एक लॉन्च किया था, जो सोसाइटी लॉन्च की थी, ऑल्दो सभी को पता है ये बात कि उसका कितना हाइप गया था, तो सेक्टर 19 का जो लोकेशन है ऑल्दो वो एक पहले एक प्रोमिनेंट लोकेशन होने वाला है क्योंकि गोल्फ कोर्स आपको मिलता है सामने, पीछे आपको फुटबॉल स्टेडियम मिलने वाला है दोस्तों, सारी की सारी एम्बेसिस आ रही हैं यहाँ पे, सारी कनेक्टिविटी जो आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की रहने वाली है वो यहीं से रहने वाली है, इसी लेन से रहने वाली है। तो बहुत अच्छी लोकेशन है, यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट या यहाँ पे अगर आप अपने लिए भी, आप अगर एंड यूज़र हैं, आप अपने लिए भी देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, और शेयर करना ना भूलिए, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसका जो डिमांड है दोस्तों वो है 2,85,00,000 रुपये का, जो कि नेगोशिएबल अमाउंट है। एक इसमें जो आपका 10th फ्लोर है उसका डिमांड है 2,78,00,000 रुपये का, जो कि 2.78 का डिमांड आता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।